प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप मेरे काल के काल का निर्माण करने में सफल हुए? मैं बहुत अधिक उत्सुक हूं जानने के लिए गुरुदेव, मुझे शीघ्र बताइए। हाँ हाँ, धन्य आप गुरुदेव, आपने तो मेरे समस्या का समाधान यू यू ढूंढ लिया। कंस, क्या तुम कृष्ण के काल को देखना नहीं चाहोगे? हाँ, बहुत अति उत्सुक हूँ, अवश्य दिखाइए कहाँ है वो। असुर, बाहर आओ। हे असुर, महाराज को अपने अग्नि तत्व से परिचित करवाओ। दानव में ऐसी कौन सी विशेषता है, बताइए मुझे। यदि यह चाहे तो भल भर में पृथ्वी में भूकंप ला सकता है और इसके आदेश पे अग्नि स्वयं तांडव करने लगती है और जल प्रलय से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश सब इसकी मुट्ठी में है। सबसे विशेष बात तो यह है, वो कृष्ण इसका अंत नहीं कर सकता। कंस, ये पांच महाभूतों से बना है, इसलिए इसका नाम होगा पंचासुर। पंचासुर, 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 पंचासुर। तुम शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और वध कर दो मेरे काल का, वध कर दो उस कृष्णा का। आचार्य ने तो कहा था कि बहुत ही बड़ा कार्य है, किंतु कृष्णा की यह हवेली तो बड़ी छोटी है। मात्र पवन का एक ही झोंका पर्याप्त है उस कृष्णा और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए। स्तंभ तो गिरने वाला है। एक रुका तो दूसरा खंभा हिलने लगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा।
ये आंधी तो बहुत ही तीव्र गति से प्रवर्त हो रही है, किंतु मैं तो आंधी से भी तीव्र हूँ। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी वायु की गति का कृष्ण की हवेली पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वायु नहीं तो जल, जल नहीं तो अग्नि के प्रकोप से उसका विनाश कर दूंगा, वो भी अतिशीघ्र। कौन हो तुम? कौन हो तुम हैं? और यहाँ क्या करने आए हो? अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है जो घर में घुसे चले आ रहे हो? ऋण लेने आए हो? यहाँ ऋण नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। मेरी बात समझो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, घूर के आओ, जाओ रे जाओ। स्वामी, मैं कृष्णाकांत करने आया था, किंतु लगता है कि पहले तुम्हारा ही अंत करना पड़ेगा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे, आप कृष्णा का काल है ना। महाराज, मैं वृंदावन पहुंच चुका हूं और अपने कार्य में जुट गया हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये कार्य करने में सक्षम रहोगे? ना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये कार्य? तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता वाला समाचार होगा कि कृष्णा की मृत्यु हो गई। बस ये समाचार ला पाओगे ना? क्या आपको अभी भी संदेह है? ना 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 ना, शंका नहीं है। परंतु तो मेरे लिए कृष्णा की मृत्यु के समाचार से भी अधिक प्रसन्नता वाला समाचार वो होगा जब तुम कृष्णा को मेरे समक्ष लेकर आओगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, पंचासुर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। साधु, तुम सब सखियां लटकेंद खेलोगी, किंतु तुम्हें गेंद से खेला जाने वाला खेल आता भी है भला? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलो चलो सखियो, लटकेंद खेलते हैं। हाँ चलो। मित्रों, मित्रों, हम सब ने बहुत कंचे खेल लिए, किंतु अब तक एक लटकेंद का भी आनंद लिया जाए। राधा, हम सबको भी तुम्हारे साथ खेलना है। जाओ जाओ, मैं नहीं खेलती माखन चोर के साथ। तुमने हमारी मटकियाँ फोड़ी और अब कह रहे हो कि हमारे साथ तुम खेलोगे? हमारे साथ खेलना तो तुम भूल ही जाना कान्हा। झूठी राधा, यदि मैं माखन ना चुराऊं, बातें ना बनाऊं और तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं, तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। देख लेना, यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगी तो तुम्हें भी इस खेल में आनंद नहीं आएगा। हाँ जाओ जाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें अपने साथ। चलो सखियों, खेलते हैं।
फिर से चंचलता की हमारे साथ? हमारी गेंद नदी में फेंक दी? अब तुम ही मुझे मेरी गेंद ला कर दो। ठीक है राधा, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। काना, नदी में जाना उचित नहीं है। काना तो जल के भीतर चला गया। काना तो यमुना में कूद गया। दाऊ दाऊ, ये जल में हलचल हो रही है और काना भी अब तक बाहर नहीं आया है। कहीं काना किसी संकट में ना हो। तुम चिंता मत करो मित्रों, कान्हा को कुछ नहीं होगा। दाऊ, अब जो भी कहो, किंतु इतनी विशाल नदी है, कान्हा पर किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। पता नहीं वो इस समय किस विपदा में हो। महाबली पंचासुर की जय हो। मैंने महाराज कंस तक आपका संदेश पहुंचा दिया है। एवं महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्णा को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसी महाराज कंस की आज्ञा, यहाँ वृंदावन ध्वस्त होगा और दूसरी ओर कृष्णा महाराज कंस के चरणों में होगा। कृष्णा, असुरों, जाओ और यमुना नदी से कृष्णा को बंदी बना के ले आओ। जो आदेश महाबली पंचासुर। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कृष्णा का अंत निश्चित है। आज तुम्हारा अंत निकट है, अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए। ये महाशक्तिशाली पंचासुर महाराज की बेड़ियां हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। अच्छा, तो फिर तो पंचासुर महाशक्तिशाली नहीं, महादुर्बल होगा। क्योंकि जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो, वो अपने
शत्रु को इसी प्रकार बेड़ियों से जगड़ कर रखता है। उसे मुझसे भय लगता है, इसीलिए उसने मुझे इस प्रकार बांध के रखा है। शांत रहो मूर्ख बालक, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो ही नहीं, तुम सब के सब मुझसे भयभीत हो। तुम सब के सब को मैं चुटकी भर में ही पराजित कर सकता हूँ, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अभी तो पूरी की पूरी असुर जाति कायर और दुर्बल है। मूर्ख बालक, आज हम तेरा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम तेरी बेड़ियां खोल रहे हैं, फिर तू देखना हमारी शक्ति। रुक जाओ। नहीं नहीं, हमें इसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए। यदि महाबली पंचासुर को पता चला तो हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबके सब कायर हो, और तुम्हारा वो स्वामी पंचासुर भी दुर्बल और कायर है। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानू, कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बना हुआ है, उसे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो? शेषनाग, ये पृथ्वी आपके शेष पर टिकी है और आप ही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु पंचासुर के आने के कारण ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, और अब आप ही कोई इस बिगड़े हुए संतुलन को सुधारना होगा। पंचासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पंच महाभूतों से ये बेड़ियां बनाई और मुझे यहाँ बांध दिया। सृष्टि के कल्याण हेतु आप यहाँ आकर मुझे मुक्त कीजिए। आपके आह्वान से मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु एक जिज्ञासा है। आप तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं और इस पाश को स्वयं ही काट सकते हैं, फिर यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा, ये कार्य क्षेत्र आपका है, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूँ। छोड़ दे दुष्ट, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। तुझे क्या अपना जीवन प्रिय नहीं है मूर्ख शेषनाग? चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरा अंत आज यही होगा। भागना तो तुझे होगा नेवले, क्योंकि तेरे प्राण संकट में हैं। अंदर प्रभु है और बाहर मैं, अब तू नहीं बचेगा। प्रलय विश्व संत।
शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए शेषनाग। कैसे हुआ ये? किसने मारा इसे? शेषनाग गया था कृष्ण को बचाने, स्वयं मारा गया। छोड़ मुझे शेषनाग, मेरी सांसें रुक रही हैं। अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? अब क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो गया तुम्हारा भ्रम। मेरे विशाल रूप को देखकर तुम तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। तुम भयभीत हो गए मेरे वास्तविक रूप से। सूर्यास्त के साथ आज पूरे वृंदावन का भविष्य मैं अंधकार में कर दूंगा। कल जब सूर्य उगेगा तो उसका प्रकाश भी वृंदावन का ये अंधकार समाप्त नहीं कर पाएगा। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ। तब वृंदावन वासियों को पंचासुर का आतंक सहना होगा। दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। मुझे पंचासुर का अंत करना ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्य डूबने से पूर्व पंचासुर का अंत हो जाएगा। अंत तो उसका होता है जो पंचासुर को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। मेरे एक दो असुरों को नष्ट करके वो मूर्ख कृष्णा ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है। नहीं, मेरे शक्तियों के विषय में उसका भ्रम उसके लिए और भी घातक सिद्ध होगा। अरे, इतनी तीव्र पवन! पंचासुर! पंचासुर! सब गो! अरे, मेरी पकड़ी! पंचासुर, शांत हो जाओ! सबको नष्ट हो जाएगा! अरे, शांत हो जाओ पंचासुर, शांत हो जाओ। जाने क्या होगा। चुप हो जाओ यशोदा, धैर्य रखो, इतना मत सोचो। कान्हा आ जाएगा, उसे डांट लेना, लेकिन इस तरह से परेशान मत हो। कान्हा,
कान्हा, तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? बेकार है, कान्हा हमारी एक बात नहीं सुनता है। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी और उदंडता नहीं सहने वाली हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या स्वांग रचाने वाली हो तुम? यशोदा, कान्हा द्वार खोलो पुत्र, कान्हा पुत्र द्वार खोलो। लड़के ने तो दुखी कर दिया। एक शरारत का अंत ही होता कि दूसरी शरारत ही करने लग जाता है। कान्हा भीतर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बलराम, तुमसे कान्हा ने कुछ कहा? कान्हा द्वार नहीं खोल रहा है। ये इतना तीव्र कोलाहल कहां से आ रहा है? ये तो एक एक विकराल दानव है। वृंदावन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लल्ला, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। मेरे पुत्र को कोई बचाओ। भागो! यशोदा, ये बाहर से ध्वनि किस प्रकार की आ रही है? अरे अकस्मात ये आंधी कैसे चलने लग गई? वृंदावन से बाहर जाना तुम सब लोगों के लिए असंभव है। अब इस वृंदावन में तुम लोग नहीं रह पाओगे। हमें यह स्थान अभी छोड़ना होगा। हाँ हाँ भागो साथियों, इनको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा वृंदावन से बाहर निकल पाने का। वृंदावन के प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है। क्या हमारे गांव में असुर आया है? अरे देखिए ये सारे लोग कितने भयभीत। राधा पुत्री, तुझे ये चोट कैसे आई? काकी, वो असुर बहुत ही भयानक है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें साहस और धैर्य के साथ काम लेना होगा। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग अपने अपने गोधन और अपने अपने परिवार को वृंदावन के मैदान में लेकर जाइए। शीघ्र शीघ्र जाइए जाइए जाइए। यशोदा, हमें वृंदावन वासियों की सहायता के लिए जाना होगा। आप कान्हा को बाहर निकालने का प्रयत्न करो, मैं ग्रामवासियों की सहायता के लिए जाता हूं। कान्हा, तुम द्वार क्यों नहीं खोलते हो? देखो यहाँ रो रोकर यशोदा मैया की क्या दशा हो चुकी है। कान्हा महाराज का पुत्र। भागो!
तुझे मारने की प्रतिज्ञा तेरी त्रुटि थी, है ना? लगता है तुझे अब समझ आ गया है और इसलिए तू कहीं छिप कर बैठ गया है। काया पुत्र, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, अब मुझे ये द्वार तोड़ना होगा। हाँ काकी, हमें ये द्वार तोड़ ही देना चाहिए। दाऊ, तनिक सहायता तो करो। क्षमा करना कान्हा, मुझे मैया और राधा की सहायता करनी ही होगी। कान्हा! 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 कहाँ हो पुत्र? लल्ला! कान्हा! ईश्वर, मेरा लल्ला कहाँ चला गया? तो कक्ष में भी नहीं है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरणं। आज्ञा करें प्रभु। मेरा लल्ला कहाँ चला गया? लगता है तो आपके डर से कहीं चला गया होगा। मैं ये बात देखकर आता हूँ। काकी, लगता है कि वो असुर यहाँ से गुजर रहा है। धरती कांप रही है, लगता है भूकंप आया है। भूकंप? पृथ्वी नहीं तो अग्नि, अग्नि तेरे प्राण लेगी, भस्म हो जाएगा तू। कृष्णा, इस बार मैं तेरे घर को अपनी पंच महाभूत शक्तियों से खंड खंड कर दूंगा। साहस है तो आ मेरे समक्ष। मैं यहाँ हूँ पंचासुर। देख कृष्णा, मेरे मात्र आने से पूरे वृंदावन में प्रलय आ गया। देख रहा है मेरी शक्ति? अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? अब क्या होगा? रक्षा करो प्रभु। सूर्यास्त हो गया। सुना था किसी ने सूर्यास्त से पूर्व मुझे मारने की प्रतिज्ञा की थी, टूट गई वो प्रतिज्ञा।
और ये प्रतिज्ञा तुम्हारी थी ना जगदीश्वर कृष्णा। टुकड़े टुकड़े हो गया तुम्हारा भ्रम, मेरे विशाल रूप को देखकर तुम तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। तुम भयभीत हो गए मेरे वास्तविक रूप से। सूर्यास्त के साथ आज पूरे वृंदावन का भविष्य मैं अंधकार में कर दूंगा। कल जब सूर्य उगेगा तो उसका प्रकाश भी वृंदावन का ये अंधकार समाप्त नहीं कर पाएगा। मुझे तो इस अंधकार में भी तुम्हारी बुद्धि का अहंकार साफ दिख रहा है। तभी तो तुम्हारे नेत्रों पर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा है पंचासुर। नहीं, नहीं, ये तो असंभव है। हे गरुड़देव, महादानव पंचासुर का निर्माण प्रकृति के पांच महातत्वों से असुर गुरु शुक्राचार्य ने किया है। उसका अंत मात्र उसके मूल रूप में ही किया जा सकता है। आज्ञा करें प्रभु। मैं किस प्रकार उस दुष्ट का अंत करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ? जहाँ शक्ति का प्रयोग व्यर्थ हो वहाँ युक्ति का प्रयोग होना चाहिए। उसकी शक्ति उसके अहंकार का कारण है और अहंकार सदैव ही अंधकार का कारण होता है। अंधकार? हाँ गरुण देव, अहंकार से अंधकार और अंधकार से अंत सुनिश्चित है। ये सूर्य देवता पुनः कैसे उदय हो गए? योग माया। इसके आगे का सत्य मनुष्यों के लिए जानना उचित नहीं होगा, अतः इन्हें योग निंद्रा की अवस्था में ले जाना होगा मुझे। ये क्या छल कर रहा है तू? सूर्यास्त नहीं हुआ था अपितु तूने उसे छुपाया था। नहीं, मैं तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तू मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता पंचासुर। तुम में इतना साहस नहीं है। हाँ, किंतु तुम इतना अवश्य कर सकते हो कि क्षमा मांग लो। बोल, इतना साहस है ना तुम में? क्षमा कायरों को शोभा देता है कृष्णा, और पंचासुर कायर नहीं है। सूर्यास्त नहीं हुआ तो क्या हुआ कृष्णा? ये विध्वंस अब नहीं रुकेगा। जैसी तेरी इच्छा पंचासुर, मैं तैयार हूँ। मिट्टी में दबकर तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। नहीं, तू जीवित नहीं रह सकता। मेरे समीप एक नहीं, पांच तत्वों की शक्ति है कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
पृथ्वी नहीं तो अग्नि, अग्नि तेरे प्राण लेगी, भस्म हो जाएगा तू। अग्नि नहीं तो जल, इस जल के प्रवाह में तू बह जाएगा कृष्णा। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तीन महापंचभूत शक्तियां कृष्णा का कुछ भी न बिगाड़ सके। द्वंद्व के लिए तैयार हो जाओ कृष्णा। पंचासुर, अब तेरे अंत समय में तू यह सत्य जान ले, प्रकृति और पंच महाभूतों का तूने अवश्य ही दुरुपयोग किया है, किंतु इनका उद्भव सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। इनका दुरुपयोग करने वाले का नाश अवश्य ही होगा। पंचासुर, अब तेरे अंत समय में तू यह सत्य जान ले, प्रकृति और पंच महाभूतों का तूने अवश्य ही दुरुपयोग किया है, किंतु इनका उद्भव सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। इनका दुरुपयोग करने वाले का नाश अवश्य ही होगा। मेरा अंत तुम नहीं कर पाओगे कृष्णा। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तो तुम्हें उन्हें सौंपूंगा जिसके अंत से तुम्हें शुक्राचार्य ने बनाया है। ये क्या, पंच महाभूत के देवता भी यहाँ आ गए? नहीं, नहीं, ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नष्ट नहीं हो सकता। नहीं, देवो, आप सब अपने अपने अंशों को पुनः अपने आप में विलीन कर लें। इन अंशों से ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने पंचासुर का निर्माण किया था। पंचासुर ने पंच महाभूतों की शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया और ये दुरुपयोग सृष्टि के असंतुलन का कारण बन गया था, और मैंने तो अवतार इस सृष्टि के संतुलन हेतु लिया है। हे जगदीश्वर, आप धन्य हैं।
ऐसा लगा जैसे निद्रा टूटी हो। हाँ, और वो राक्षस पंचासुर, उसका क्या हुआ? लगता है वो असुर जहां से आया था वहीं वापस चला गया है। हे ईश्वर, अच्छा हुआ वो चला गया। क्या तो जीजी, मेरा लल्ला कहाँ है? यशोदा, हमारा लल्ला। लल्ला, तू ठीक तो है? हाँ, देखा तू कहीं चोट तो नहीं है? लल्ला कहाँ चला जाता है? तो कितनी बार कहा इस तरह नहीं जाते? तुझे पता है हम सब लोग कितने चिंतित थे तेरे लिए। अपनी मैया को सताने में क्या आनंद आता तुझे? किंतु मैया, अब तो मैं आ गया हूँ ना, और फिर भी आप रोना बंद नहीं करी। देखिए, यदि आप रोना बंद नहीं करेंगी तो मैं फिर से। नहीं नहीं लल्ला, तो कभी तो कहीं मत जाना, यही रहना, तो मेरे पास ही रहेगा मेरा लल्ला, कहीं मत जाना। साथियों, प्रार्थना की शक्ति प्रत्येक संकट से अधिक शक्तिशाली होती है। अच्छा हुआ हमारा संकट टल गया। जय श्री हरि। जय श्री हरि। बस जब ये लड्डू बन जाएंगे तो भोग तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी विपता टली है वृंदावन से, इस लड्डू का भोग चढ़ाकर मैं श्री हरि को धन्यवाद बोलूंगी। मनोहर और मंदार, भंडार गृह में जाइए, यज्ञ हेतु सामग्री लेकर आइए। यशोदा, तुमने लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे नहीं आरे, आप इन लड्डुओं को मत चखिएगा, ये श्री हरि के भोग के लिए। भोग चढ़ने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। अच्छा। मैं बाहर जाकर बाहर का कार्य देखता हूँ, तुम लड्डू बनाओ। इधर आ, तो इधर आ। तुझे पता था ना मैं श्री हरि के भोग के लिए ये लड्डू बना रही हूँ, तो फिर क्यों आया तू यहाँ पर? मैया, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, और यदि मैंने लड्डू खा लिया तो समझिए श्री हरि ने लड्डू खा लिया। अच्छा जी, इसका ये अर्थ है कि ये सारी चंचलता भगवान भी करते होंगे, है ना? अब तो चुपचाप से यहाँ से जा, बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला छोटा सा काम, जा। मैया, ये देखिए, इन लड्डुओं में चींटियां हैं, देखिए। हाँ, चींटी, चींटी कहाँ से आ गई? अरे कहाँ था? मैया, आपके इस भगवान ने तो पेट पूजा कर ली, मैंने बस दो चार लड्डू ही उठाए हैं, और आपके श्री हरि इस लड्डू को खाकर प्रसन्न हो या ना हो, किंतु मैं इस लड्डू को खाकर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। कान्हा, अरे कान्हा,